हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज 3M एंड व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ 3M, हाउ कैन 3M हेल्प फार्मर्स टू डबल देयर इनकम। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि आखिर ये 3M वर्ड कहाँ से आया। तो 3M के बारे में हम जानते हैं कि निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का जब बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने मिलेट्स को 3M बोला। मिलेट्स यानी कि कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको ही 3M बोला गया है। और 3M इतना इम्पोर्टेंट इस साल इसीलिए है क्योंकि UN ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। और इंडिया के लिए मिलेट्स इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है 3M का। और इंडिया 139 कंट्रीज़ को मिलेट्स एक्सपोर्ट करता है और इंडिया नियर फ्यूचर में नंबर वन बनना चाहता है एक्सपोर्टर के रूप में। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर 3M में कौन कौन से ग्रेन्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्वार, और उसके बाद बाजरा, रागी, सावा, समा, गिनी, कोडो, कुटकी, कुट्टू, ये सारे कोर्स ग्रेन हैं। इनको पहले गरीबों का अनाज भी कहा जाता था लेकिन अब इनके न्यूट्रिशन वैल्यू को देखते हुए सारे लोग अब इसे खाना चाहते हैं क्योंकि जैसा कि कोरोना के बाद सब लोग न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग मिलेट के क्या क्या न्यूट्रिशन बेनिफिट्स है और क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं एक्चुअल सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ 3M। तो जैसा हमने पहले देखा ये हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, तो मिलेट्स बहुत ज़्यादा ही हेल्दी है और इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, और अगर इनको सही क्वांटिटी में खाया जाए तो बहुत सारे डिजीज़ को दूर भी कर देते हैं, क्योर भी कर देते हैं। और इनमें बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। अगला बेनिफिट देखते हैं 3M का क्या है। तो ये 3M ईजी टू कल्टिवेट होते हैं, मतलब ये बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं और इनको उगाने के लिए बहुत कम पानी लगता है। जैसे हम जानते हैं कि धान के फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, गेहूं के फसल में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और बिना इरिगेशन के इनको उगाना बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि आजकल क्लाइमेट डिज़ास्टर चल रहा है। लेकिन मिलेट्स को उगाने में पानी कम लगता है और ये ड्रॉट टॉलरेंट भी होते हैं, अगर बारिश नहीं भी हुआ तो भी ये उग जाते हैं, कम बारिश में भी उग जाते हैं, कम पानी में भी उग जाते हैं। इनको फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए होता है और ये पुअर सॉइल में भी उग जाते हैं, मोस्टली रेड सॉइल में ये आराम से उग जाते हैं। जबकि अगर वीट या राइस उगाना हो रेड सॉइल में तो बहुत ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ता है जिससे सॉइल भी डिग्रेड होता है, एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होता है। लेकिन अगर हम 3M उगाते हैं तो ये एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है और बजट फ्रेंडली भी है। अगला बेनिफिट देखते हैं, ये क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट क्रॉप्स इनको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत हार्डी क्रॉप्स है और एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएशन जैसे कि अगर मानसून फेलियर हो गया या बहुत लंबा ड्राई स्पेल हो गया मानसून में तब भी ये उग जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है जिससे कि किसानों पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्रॉप फेलियर एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है और
फूड सिक्योरिटी के लिए श्री अन्न बहुत ज़रूरी है। अब तो जो अगला पार्ट था क्वेश्चन का कि डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो ये श्री अन्न उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि इरिगेशन कम चाहिए या नहीं चाहिए, बहुत कम पानी में उग जाता है, रेनफेड एरिया में भी उग जाता है, आर्टिफिशियली इरिगेशन नहीं करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स कम देना पड़ता है, तो ये फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट इससे कम हो जाता है, जिससे ये आसानी से फार्मर्स का इनकम बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रही है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्टार्ट कर दिया गया है मिलेट्स के लिए, जो कि पहले नहीं था, जिसकी वजह से पहले लोग गेहूं या चावल ही उगा रहे थे। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेट्स के लिए भी आ गया है, साथ में मिलेट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स, जिससे कि फार्मर्स का इनकम भी बढ़ेगा। और एक तो इनपुट कम है, दूसरा अगर जब बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट ही खरीद रही है, तो उनको बेचने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और तीसरा चीज़ अगर हम कहें मार्केटिंग और पैकेजिंग का, तो बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं जो मिलेट्स को अलग अलग प्रोडक्ट बना के, जैसे बिस्किट, कुकीज़, हेल्थ ड्रिंक, बहुत सारे लोग मिलेट्स का सत्तू बेच रहे हैं, जो कि प्रोटीन शेक के तरह लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। और एक हैदराबाद में एक मिलेट रिसर्च सेंटर भी है, जो नए नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहा है, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके मिलेट्स का, और नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए। और फिर अगला चीज़, अगर जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग अब अवेयर हो रहे हैं हेल्दी फूड खाने के लिए, जिसका हेल्दी फूड का अब डिमांड बढ़ रहा है। अब डिमांड बढ़ने से ये होगा कि फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा इसका, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, फार्मर्स ग्रो करेंगे, तो उनको भी अच्छा प्राइस मिलेगा उनके प्रोड्यूस का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।